मॉर्निंग स्टूडेंट, यस आज हम करेंगे 8.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1 एंड 3 अपॉन 4 टू गेट 3। हमें 3 गेट करना है, तो उसके लिए हम इसमें क्या ऐड करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 में से इसको कट कर देंगे, तो वही तो ऐड होगा ना उसमें। यस, 3 में से हम सबट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 3 अपॉन 4। पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज, अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, यस, 4 को पहले हम इस डिजिट से मल्टीप्लाई और फिर ऊपर वाले को प्लस। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और फिर 3 को प्लस कर देंगे न्यूमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा 7, 7 अपॉन 4। अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 राइट करेंगे। अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, तो अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 12 अपॉन 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 अपॉन 4, 12 में से 7 कट हुए तो 5 अपॉन 4, मतलब हमें 3 में 5 अपॉन 4, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, यस, 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4, 5 में से 4 कट किया 1, तो जो इसका क्वोशेंट आया है वो एंड में जाएगा। नीचे वाला डिजिट है ये न्यूमरेटर, और जिससे हमने डिवाइड किया था वो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 एंड 1 अपॉन 4 इज एडेड, देन वी गेट 3। सबट्रैक्ट द सम ऑफ 3 एंड 4 अपॉन 10 एंड 2 एंड 1 अपॉन 5 फ्रॉम 8। हमें पहले क्या करना है, इन दोनों डिजिट के सम जो आएगा उसको हमें 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करेंगे। क्या डिजिट है, 3 एंड 4 अपॉन 10 एंड 2 एंड 1 अपॉन 5। पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, यस, फर्स्ट पहले हम मल्टीप्लाई फिर प्लस। 10 3 जा 30, 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34 अपॉन 10, और नेक्स्ट 5 2 जा 10 एंड 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 5। डिनोमिनेटर को सेम करना है, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी 10 है, तो इसको तो कुछ भी करने की नीड नहीं है, राइट कर देंगे 34 अपॉन 10 प्लस, यस, 5 को हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो दोनों को न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 जा 22 और 5 2 जा 10 कितने हो गए 56 अपॉन 10। अब हमें इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से, ओके, 8 अपॉन 1 माइनस 56 अपॉन 10, इसको भी हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दोनों को हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10 जा 80 एंड 1 10 जा 10। अब 80 में से हम 56 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 24 अपॉन 10। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 टू जा 24 आ गया, यस, जो क्वोशेंट होता है वो अलग लिखेंगे उसको हम 2, और जो हमारा नीचे ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है ना, इसको हम क्या करते हैं न्यूमिरेटर, और जो डिवाइडर है डिवाइजर है वो क्या होगा डिनोमिनेटर 4 अपॉन 10। अब हम देख रहे हैं कि 4 और 10 एक टेबल, 2 की टेबल में दोनों कट हो रहे हैं ना, तो हम इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, क्या आंसर होगा हमारा 2 एंड 2 अपॉन 5। स्पेंड्स 1 अपॉन 5 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन टॉयज, 1 अपॉन 5 किस पे खर्च करती है टॉयज पे, 7 अपॉन 15 ऑन हर बुक्स, 7 अपॉन 15 को बुक्स पे खर्च करती है एंड 3 अपॉन 10 ऑन स्टेशनरी आइटम्स, ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी शी स्पेंड, तो कितनी पॉकेट मनी है जो वो स्पेंड कर देती है, यस, सॉल्यूशन, स्पेंड ऑन टॉय 1 अपॉन 5, स्पेंड ऑन बुक्स 7 अपॉन 15, स्पेंड ऑन स्टेशनरी 3 अपॉन 10, तीनों को प्लस करेंगे, टोटल शी स्पेंड 1 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 10। पहले हमें क्या करना है, तीनों डिनोमिनेटर को सेम करना है, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 15 और 10, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, ओके, अब हमें इन तीनों फ्रैक्शन को 30 के इक्वल करना है, यस, 5 को 30 कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं ना हम, यस, तो 5 को, यस, इसका एलसीएम कितना है 30,
फाइव को 30 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम दोनों को 1 को भी 6 से और 5 को भी 6 से, 1 6 जा 6, 5 6 जा 30, ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या है, 15। अब 15 को 30 बनाना है, तो दोनों को 2 से, 7 2 जा 14 एंड 15 15 2 जा 30। नेक्स्ट क्या है, 3 अपॉन 10, 10 को 30 बनाना है, मतलब 10 3 जा 30, तो दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 एंड अपॉन 30। अब डिनोमिनेटर सेम है, राइट करेंगे हम 30, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 6 प्लस 14 प्लस 9, तो क्या आ जाएगा, 29 अपॉन 30। इतना पार्ट जो है वो अपनी पॉकेट मनी का स्पेंड कर देती है। ओके, यस, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर नोट।